हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बजाज कंपनी के ऊपर में रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम इसमें आया है और क्या क्या कंपोनेंट खराब है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज कंपनी का जो मॉडल नंबर है स्पेंडिड मॉडल है और इंडक्शन जो होता है 1200 वाट की होती है। दोस्तों इसमें इस पहले से ओपन करके रखा हूँ, इसमें 2-3 प्रॉब्लम क्रिएट होकर आई है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले होता है इसका कॉइल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो क्वाइल है, क्वाइल जल गया है। और क्वाइल जलने के बाद में इसमें क्या क्या कंपोनेंट और ख़राब हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वाइल जलने के बाद में जो कैपेसिटर होता है, यहाँ पे 3 कैपेसिटर, इसको लाइन फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं, जो मेन सप्लाई में लगी रहती है। और यहाँ पे दोस्तों एक फिल्टर कैपेसिटर है जो यहाँ पे देख सकते हैं 5 इकोफराइड 400 वोल्ट का, और यहाँ पे 0.0033 इकोफराइड 1200 वोल्ट का। दोस्तों ये दोनों कैपेसिटर जो वीक होने का जो कारण है एक क्वाइल के नाम से होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका जो क्वाइल जलने का बहुत कंप्लेन है। अगर आप इंडक्शन न्यू खरीदते हो तो 12-13 मंथ के बाद में इसका क्वाइल जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, जिसकी क्वाइल की रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, और ये सिल्वर की क्वाइल होती है। तो आप मान लो कि मार्केट वाले इसमें क्वाइल डालोगे तो फिर से कंप्लेन आता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके जगह पे कौन सा क्वाइल लगाओगे और कौन से कैपेसिटर लगाओगे, इस वीडियो में पूरी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले अगर आपको इसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। कैपेसिटर चेंज करने के बाद आपको क्वाइल लगाना पड़ेगा। मैं आपको क्वाइल बताऊंगा कि इसमें कौन सा क्वाइल लगाओगे तो क्वाइल कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो और कैपेसिटर, अगर आप मार्केट से कैपेसिटर लेते हो तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों कैपेसिटर खराब क्यों होता है ये भी आपको नोट करना है। कैपेसिटर जो होता है दो कारण से खराब होता है। अगर मान लो कि आपका पीसीबी यहां से बर्न हो जाए, यहां से मान लो क्वाइल जहां पे थिंबल रहते हैं, अगर यहां से बर्न हो जाए तो सबसे अधिकतम 1200 वोल्ट के कैपेसिटर पे लोड पड़ेगा। तो 1200 वोल्ट का कैपेसिटर क्या होगा, खराब होगा। अगर आपका क्वाइल का रेजिस्टेंस जो है हीट हो जाता है या ज़्यादा रहता है तो आपका क्या होगा, जो 400 वोल्ट का कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं ये वाला खराब होता है। ओके, और जो ये वाला जो कैपेसिटर जो खराब हुआ है लाइन फिल्टर वाला, ये क्या होता है, हीट की वजह से खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि जो क्वाइल है, क्वाइल ऐसे रहता है तो इसके नीचे में ज़्यादा हीट पड़े इसके नाम से खराब हुआ है, इसलिए तो ये खराब जल्दी नहीं होता है लाइन फिटर। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों कैपेसिटर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे न्यू कैपेसिटर लगाएंगे, तो हम आपको बताने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तीनों जो कैपेसिटर होती है तीनों कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया हूँ। अब दोस्तों बहुत भी क्या करता है, कैपेसिटर लगा देता है, लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद में कंप्लेन आता है कि आपका कैपेसिटर फट जाता है। ओरिजिनल कैपेसिटर लगाने के बाद भी फट रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और इसको आपको नोट करना है क्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो क्वाइल का, समझ लो जो क्वाइल का दोनों पॉइंट है, ये वाला जो क्वाइल का पॉइंट है ये क्या हो गया, बर्न हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे कार्बन आ गया, देख सकते हैं कि इसके में थोड़ा सा चमक ज़्यादा है बट इसे ब्लैक पड़ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसको थिंबल इसको बोलते हैं, थिंबल को आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास मान लो थिंबल अवेलेबल नहीं हो रहा है सेम एस इस टाइप का, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि और यहाँ पे थिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको डायरेक्ट कर सकते हो और यहाँ से थिंबल यहाँ पे माउंट कर सकते हो। दोस्तों जब तक थिंबल आप माउंट ना करो तब तक आपको यहाँ कैपेसिटर रीड नहीं करना, नहीं तो आपका कंप्लेंट आ जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना, इस वीडियो में बताने का मकसद यही है मेरा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर को ऐड करेंगे। और चीज़ आपको आपको बताया, तो जो नए लोग हैं इसमें क्या होता है, कभी कभी मान लो कहीं से पीसीबी आपके पास आ जाता है, दोनों कैपेसिटर नहीं रहेगा, इसमें लिखा भी नहीं है कि कौन से कैपेसिटर कहाँ पे लगेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैं यहाँ पे डाउट को आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो क्वाइल का दोनों पॉइंट होता है वो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगेगा 0.33 1200 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगेगा, ये दोनों क्वाइल के पैरल में लगता है, दोनों पॉइंट में लगता है। ओके, यहाँ पे हमेशा 1200 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है, तो दोनों का क्वाइल का पॉइंट का ट्रैक चेक कर लेंगे यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा लगभग ये वाला क्वाइल का एक पॉइंट हुआ, ओके, और ए वाला एक कॉइल का पॉइंट हुआ, समझ लीजिए आईजीबीटी के कलेक्टर पॉइंट। ये देखिए, ये हम आया और एक यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 1200 का कैपेसिटर ऐड कर देंगे। दोस्तों कैपेसिटर इस टाइप का मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगा, बॉक्स टाइप का कैपेसिटर बोलते हैं जो 1200 वोल्ट में अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको कैपेसिटर चाहिए ओरिजिनल, जो इस टाइप की पीसीबी से मैं निकाल के ऐड देता हूं, आपको सेंड करता हूं, एकदम ओरिजिनल पीसीबी रहता है, न्यू पीसीबी है, ऐसा नहीं कि कैपेसिटर मैं क्या करता हूं पुराना सेंड करता हूं, तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर मान लो स्पेंडिट का 1200 वाट का पीसीबी आपको चाहिए तो मेरे पास भी अवेलेबल है, और इसका लिंक भी दे देता हूं नीचे में, और कैसे चेक
कैसे कैपेसिटर को मंगाना है मैं लास्ट में आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को पहले ऐड कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसमें क्या करूँगा, कॉइल को ऐड करूँगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये आप देखते हो जो नॉर्मल कॉइल होता है ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है इस टाइप की कॉइल, लेकिन इसका रिस्पॉन्स और इसमें जलने की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है। अधिकतम स्पेंडिंग में तो बहुत ज़्यादा जलने की कंप्लेन है, इसके नाम से इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आता है जलने का कॉइल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल लेयर कॉइल इसको बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्यों डबल लेयर कॉइल बोलते हैं, एक तो आप ऊपर में देखते हो मोटी है और एक नीचे में बोलते हैं, इसको डबल लेयर कॉइल बोलते हैं। दोस्तों ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और क्या होता है दोस्तों, एक कॉस्टली आती है थोड़ी सी। अगर एक बार इसको लगा दोगे कॉइल को, दोबारा आपके पास कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा कॉइल जल गया। अधिकतम आप देख सकते हो जितने ब्रांडेड इंडक्शन आते हैं आजकल, उषा का और हेवल्स का, वी गार्ड का, इस टाइप का कॉइल लगा आता है, ये सिल्वर का है। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे देख सकते हो कि कॉइल को यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे वायर को बांधा हूँ, इसलिए बांधा हूँ कि किसी किसी इंडक्शन में आप देखते हो कि यहाँ से अधिकतम टूट जाता है, तो इसको बांध दोगे तो जल्दी टूटने का कारण जल्दी नहीं टूटेगा, इसके नाम से इसको मैंने यहाँ पे दोनों थिम्बल में यहाँ पे बांध देता हूँ। और दोस्तों आपको बताया कि बहुत कोई मेरे को बोलेगा सर कॉइल अवेलेबल है क्या इस वीडियो के कमेंट में, तो मेरे पास इस टाइप का कॉइल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना कॉइल है कि अपना यूज आता है, उससे अधिकतम जब जब मेरे पास कॉइल अवेलेबल होगा तो आपको मैं वीडियो बना के बता दूं कि इस टाइप का कॉइल मेरे पास अवेलेबल हो गया है। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंडक्शन को ओके कर दिया और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे आपका ऑन भी कर दिया ये इंडक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि एलईडी यहाँ पे एलईडी में शो करता है वाटेज, तो सबसे पहले 1200 वाट में अभी है, इसको जैसे ही डाउन करोगे तो कम होता है। दोस्तों आपको मैं तीन यहाँ पे और आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि मेरे पास कमेंट में लोग क्वेश्चन करते हैं या पूछते हैं कि सर कॉइल जलने का कारण, तो सबसे पहले कॉइल जलने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला कारण क्या होता है कि आप मान लीजिए आप कस्टमर हो, तो वीडियो को देखो तो आपको भी समझना है, अगर आप टेक्नीशियन हो तो अपने कस्टमर को ऐसे आपको समझाना है कि इस टाइप को आपको करना है तो आपका कॉइल जल्दी नहीं जलेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे इंडक्शन में अपना खाना जो भी यहाँ पे हीट हो रहा है, जो भी इसके ऊपर मेटल है, मेटल में हीट हो रहा है खाना, जो भी पक रहा है खाना, बहुत कोई क्या कस्टमर करते हैं आपका खाना मान लीजिए यहाँ पे बन गया, खाना बनने के बाद बहुत कोई कस्टमर क्या करता है डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर देता है, या इसको प्लग को निकाल देता है डायरेक्ट यहाँ से ऑफ कर देता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी आपका इंडक्शन का खाना बनता है तो सबसे पहले मेटल को इसको साइड में रखते हैं, मेटल साइड में रखने के बाद इंडक्शन को यहाँ से ऑफ करेंगे। दोस्तों यहाँ से ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो फैन है रनिंग होते रहेगा। ठीक है, जब तक क्या होगा, जब तक एक कॉइल सेंसर की जो टेम्परेचर है, जब तक मान लीजिए टेम्परेचर कम नहीं होगी तब तक फैन आपका स्टैंड बाई नहीं होगा। तो इसके हिसाब से इसमें सिस्टम को सेट किया रहता है अलग अलग इंडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मान लीजिए यहाँ से आप जैसे ही फैन चलेगा तो कॉइल आपका हीट होता रहेगा, तो आपका क्या होगा यहाँ पे फैन चलते रहेगा तो कॉइल ठंडा हो जाएगा, ठंडा जैसे ही कॉइल हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका कॉइल जल्दी नहीं जलेगा और ना ही आपका प्लास्टिक जल्दी ख़राब होगा और ना ही पीसीबी आपका बर्न होगा और नहीं जल्दी आपका इंडक्शन डैमेज होगा। दूसरी बात कि अगर घर में बहुत कोई महिलाएं चाहे बहुत कोई अगर इंडक्शन यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो कॉइल के जो एयर वाला होता है एरिया, इसमें डस्ट जा जाते हैं, तो ये क्या होता है जो एयर इन नहीं हो पाता है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको आपको हमेशा मान लीजिए 10 दिन 15 दिन या एक महीने में क्लीन करते रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास बनने आते हैं तो आप कस्टमर को समझा दीजिए और खुद को एक बार उसको क्लीन करने का तरीका, इसके लिए एक ब्रश आती है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, अपने शॉप में रखता हूँ, या घर में क्या होता है आसानी से यहाँ पे टीथ ब्रश रहता है, इसको आराम से आसानी पे यहाँ पे ब्रश से करेंगे तो साफ हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के साफ हो जाएगा आपका इंडक्शन, तो आपका जल्दी एयर इससे क्या होगा इन होगा, तो जल्दी आपका क्या होगा इंडक्शन खराब नहीं होगा। दूसरी कि बहुत कोई क्या करता है इसके ऊपर में आयरन मेटल यूज करता है, तो आयरन मेटल कम से कम यूज करता है, इंडक्शन में आयरन मेटल यूज तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आयरन मेटल क्या होता है कि जल्दी ओवर हीट हो जाता है और ओवर हीट होने के नाम से आयरन मेटल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो आपको इंडक्शन के ऊपर में जहाँ तक हो सके स्टील मेटल यूज करना है। तो इस टाइप के कस्टमर को आपको समझाना है तो कॉइल का कंप्लेन आपके पास नहीं आएगा, हमारे पास भी ऐसा आता है तो हम कस्टमर को पहले समझा देते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मान लीजिए इसका पीसीबी अगर 1200 वाट का स्पेंडिट का पीसीबी चाहिए या इसका कैपेसिटर चाहिए या इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है। अब दोस्तों इसको मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल में जाना है, rajinduction.com को सर्च करना है, वहाँ पे जैसे खुल जाएगा एक प्राइस लिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं पहले नियम और शर्तें को आपको पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपोनेंट आप देख सकते हैं IGBT ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कैपेसिटर बॉक्स टाइप में आपको मिल जाएगा 1200 वोल्ट का और चार्ज ओरिजिनल कैपेसिटर मिलेगा, पीसीबी से निकला हुआ मिलेगा। ओके, अब दोस्तों आपको ऑर्डर कैसे करना है,
कुछ नहीं करना है। मान लो क्या है कि आपको जितने कंपोनेंट चाहिए, कॉपी और पेन उठा लो या व्हाट्सएप में टाइपिंग कर लो। आपको जैसे मान लीजिए IGBT कैपेसिटर इस टाइप का आप देख लो, कितना क्वांटिटी चाहिए इसको भी नोट कर दो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो। मेरे टीम के तरफ से आपको 6 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा रहता है और हम लोग 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं। और जो आप नंबर देखते हो ना, ओनली फॉर आपको व्हाट्सअप करना है। और इसमें बहुत कोई क्या करता है, व्हाट्सअप करने के बाद प्रॉब्लम को पूछने लगता है, सर ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास ये व्हाट्सअप नंबर नहीं है। ओनली फॉर जो है मेरे यहाँ का जो टीम है, जो लड़के लोग हैं जो काम करते हैं, बिजनेस देखते हैं, उन लोग करेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।